आज के टाइम में फ्रीलांसिंग जितना पॉपुलर होता जा रहा है उतना ही कॉमन होता जा रहा है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर स्कैम। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरह के क्लाइंट से आपको बिल्कुल दूर रहना है जिससे आप स्कैम्स को अवॉइड कर सकें, उसी के साथ साथ कुछ पॉपुलर फ्रीलांसिंग स्कैम्स की जो हो सकता है कि आपके साथ भी हो जाएं, कुछ सेफ्टी टिप्स वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आप इन स्कैम से, इस तरह के लॉसेस से, इस तरह के रिस्क से आप बच पाएं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आई होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की इस डायनेमिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने करियर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें WS Cube Tech का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग एडवांस्ड बैच। इन बैचेस में आप सीखेंगे प्रोफेशनल, प्रैक्टिकल एंड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग विद अ वैलिड सर्टिफिकेशन जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। इन बैचेस में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, इसी के साथ साथ काफी सारे पेड टूल्स का एक्सेस भी, आपकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, उसी के साथ डाउट सेशंस एंड मेनी मोर थिंग्स। तो अगर आप ये बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे बहुत ही जल्दी कनेक्ट करेगी। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। तो एक मेरी रिक्वेस्ट है, आपने पूरा ये कोर्स देखा है फ्रीलांसिंग का, जिस अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, पूरा कोर्स देखा है तो बस ये और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना जिससे कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप किसी भी स्कैम का शिकार ना हो जाओ, तो पूरी वीडियो देखना। तो जैसा मैंने बताया कि जब इतना ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर स्कैम भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में हम मेक श्योर करेंगे कि एटलीस्ट पैसा ना कमाए चले, लेकिन पैसा हमारा जाए नहीं, यानी स्कैम ना हो जाए हमारे साथ। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह के क्लाइंट से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो देखिए, अगर आप एकदम फ्रेशर हैं फ्रीलांसिंग पर, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि स्टार्टिंग के टाइम में ऐसे जो भी क्लाइंट्स हैं जिनका पेमेंट जो है वेरिफाइड नहीं है, आप उनसे दूर रहिए। चाहे वाईफाइवर हो, फ्रीलांसिंग हो, अपवर्क हो, गुरु हो, सब पर एक ऑप्शन आता है, दैट इज अपना पेमेंट को वेरीफाई कराने का। तो अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जिसका पेमेंट वेरीफाई नहीं है, आईडी हो सकता है कुछ क्लाइंट्स नहीं वेरीफाई कराते हों क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट हाँ अगर कोई आईडी वेरीफाइड है जिसकी, उस पर तो आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका पेमेंट भी वेरीफाई नहीं है तो उस क्लाइंट से तो दूर ही रहना भैया। दूसरी चीज, ये भी टिप जो है वो बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है, बिल्कुल जो नए इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, स्पेशली जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, जहां पर क्लाइंट आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है। तो कई केसेस में क्लाइंट आपको बोलेगा कि आउटसाइड दिस प्लेटफॉर्म कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। देखिए, एक बार अगर कोई रियल क्लाइंट है ना और वो सच में चाहता है कि यार, क्योंकि फी को बचाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब वो क्लाइंट पोस्ट करता है सर्विस को तो उसको भी एक चार्ज देना पड़ता है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए वो अगर जेन्युइन क्लाइंट है तो वो क्या करेगा, एक बार आपसे कोई सर्विस लेगा, जैसे फॉर एग्जांपल उसको कोई थंबनेल बनवाना है यूट्यूब के लिए, तो एक बार वो मुझसे थंबनेल बनवा लेगा फाइवर पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, और फिर उसके बाद में वो मुझसे कॉन्टेक्ट करेगा कि देखो भाई मुझे यहाँ तो बड़ा महंगा पड़ रहा है, तो क्या हम आउटसाइड दिस प्लेटफॉर्म ले जाकर बात कर सकते हैं। तो तब उस केस में आप जा सकते हैं कि हाँ भाई, एक बार तो उसने मुझसे कॉन्टेक्ट कर लिया है, उसके बाद में भी आपको पहले एडवांस पेमेंट पर या फिर हाफ पेमेंट पर एक एक थंबनेल बनाते जाओ और एक एक उसका पेमेंट लेते जाओ तो ही काम करना। अदरवाइज कभी भी ऐसा हो कि भाई तुम मेरे 10 थंबनेल बना दो, 50 थंबनेल बना दो, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा, ऐसे पर कभी काम मत करना। और अगर न्यू हो, फ्रेशर हो, तो कभी भी आउटसाइड द प्लेटफॉर्म जाकर बात मत करना, उनको यही बोलना कि अभी आई एम न्यू टू दिस फील्ड, तो एक दो बार और हम लाइक इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं या फिर और टास्क आप मुझे दीजिए इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद में हम आउटसाइड द प्लेटफॉर्म जाकर बात कर सकते हैं। तो फॉर द फ्रेशर एक बार अवॉइड करना, और थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप आउटसाइड द प्लेटफॉर्म जाकर भी बिल्कुल एकदम असाइनमेंट बेसिस पर ही काम करना, और पैसे पहले एडवांस में लेना फिर बाद में काम करना। उसी के साथ ही तीसरी टिप की, स्पेशली जैसे फाइवर पर ऐसा होता है जहां पर प्री डिफाइंड नहीं होता है कि क्लाइंट जो है आपसे क्या काम करवाना चाहता है, तो जो अपने कम्युनिकेशन को ना बहुत ही क्लियर रखो, क्योंकि कई सारे केसेस में क्लाइंट आपको बातों में इस तरह से घुमा देगा, ऑफर आपको ऐसा दे देगा जो कि आप एक्सेप्ट भी कर लोगे, और फिर बाद में आपको पता चलेगा ओ इस ऑफर में तो ये लिखा था, क्लाइंट की तो ये रिक्वायरमेंट थी जो कि इस बजट में पूरा करना पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में अपने कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखो, बिल्कुल प्रिसाइज रखो, और बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेशन करो कि आपको ये चीज मिलेगी इन प्राइस ऑफ दिस, और इस प्राइस में मैं आपको ये काम करके दूंगा, फिर उसके बाद ही ऑफर एक्सेप्ट या फिर सामने वाले को काउंटर ऑफर करो, ठीक है। उसी के साथ ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है यार ये, तो
कि कभी भी क्लाइंट को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक अपने कोई पिंस, अपने कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल, डेबिट कार्ड डिटेल्स ये नहीं देनी है। एंड मुझे ऐसा लगता है ये बात बताने की भी नहीं है, बट हाँ ये पॉइंट्स मुझे जरूर ऐड करना था। गवर्नमेंट इतने ज्यादा ये चीजें चला रही है कि आपको ये चीजें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बैंकिंग इन्फॉर्मेशन नहीं किसी के साथ शेयर करना चाहिए, तो आई थिंक वो आप सभी को पता होगा, और अगर नहीं पता तो अभी पता चल गया। उसी के साथ ही जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, कोई भी सर्विस जब आप डिलीवर कर रहे हो या फिर उस पर बिड कर रहे हो, तो उस पर्सन की फीडबैक, उस पर्सन का जो रिव्यू है, यानी क्लाइंट्स के भी रिव्यू होते हैं, यानी जो बाय कर रहा है सर्विस उसको भी रिव्यू मिलते हैं, तो वो रिव्यू को भी देखो उस पर कैसा फीडबैक आया हुआ है। प्रीवियस जो फ्रीलांसर्स थे जिन्होंने इनके अंडर काम किया था या इनके साथ काम किया था, उन्होंने कैसे रिव्यूज दिए हुए हैं, क्या उनका सजेशन है, तो वो भी आप जो है डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए, आपको समझना चाहिए। उसी के साथ ही जैसे क्या होता है कि जब आप एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली चाहे वो अपवर्क हो, चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे वो फाइवर हो, उस केस में क्या होता है कि आपको कुछ डिलीवरेबल्स देने पड़ते हैं। डिलीवरेबल्स मतलब जैसे अगर आपने वेबसाइट बनाई तो उसका कुछ कोड वगैरह हो गया या उसके क्रेडेंशियल्स हो गए, वो आपको देने पड़ते हैं, तो वो आपके डिलीवरेबल्स हो गए। आपने कोई ग्राफिक डिजाइनिंग करी तो उस पर्टिकुलर फाइल को आपको भेजना पड़ता है, तो वो जो डिलीवरेबल्स हैं कभी भी आउटसाइड द प्लेटफॉर्म मत भेजना, ठीक है। क्लाइंट आपको बोलेगा कि यार यहाँ पर ही मेरी फाइल नहीं खुल रही है, या फिर यहाँ पर मत भेजो, मुझे व्हाट्सएप पर भेज दो, क्योंकि उसके बाद में वो आपकी पेमेंट को डिक्लाइन कर सकता है कि आपने मुझे डिलीवरेबल्स भेजे ही नहीं है और अब मुझे चाहिए ही नहीं। तो ऐसी भी कुछ कंडीशन में चीजें हो सकती हैं, लेकिन मान लो अगर आपके साथ कुछ गलती से ऐसा हो जाता है, तो आप इमीडिएटली उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से कॉन्टेक्ट करना, सपोर्ट से कॉन्टेक्ट करना कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन अगर आप उनको बताओगे कि मैंने बाहर भी क्लाइंट से कॉन्टेक्ट किया है, तो ये अगेंस्ट दैट कम्युनिटी गाइडलाइंस होता है, तो हो सकता है आपका अकाउंट जो है वो बैन कर दिया जाए। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यही है कि क्लाइंट को कोई भी डिलीवरेबल्स देने हैं, आपको उसी प्लेटफॉर्म पर दो जहां पर आपकी उसके साथ फर्स्ट टाइम बात हुई थी या फिर जहां पर आपने उसका ऑफर जो है एक्सेप्ट किया है। उसी के साथ ही एक और बहुत कॉमन स्कैम जो कि आज के टाइम में चल रहा है, उससे आपको थोड़ा सा अवेयर रहना। वैसे ये स्कैम नहीं है, ये एक तरह से टू वे डील है, लेकिन जो फाइवर हो गया, चाहे फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया, इसके बिल्कुल इसके खिलाफ है, और कई बार आपका जो अकाउंट है वो बैन भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट करता है और आपको कहता है कि मुझे ये एक्स वाई जेड सर्विस चाहिए, और आप उसे बाहर कांटेक्ट करो। आप उसे बाहर कांटेक्ट करते हो, वो कहते हो कि यार मेरे को सर्विस वगैरह कुछ नहीं चाहिए, और मैं आप मेरे को जैसे ये $5 दे दो या $10 दे दो या $2 दे दो मुझे आप यहाँ पर, और फिर उसके बाद में मैं एक ऑर्डर प्लेस करूंगा। तो वो आपको कहेगा कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप मुझे अभी $20 दे दो, मतलब वो क्लाइंट आपसे बोल रहा है कि आप मुझे $20 दे दो, और मैं क्या करूंगा कि $10 का कोई एक जो मेरा ऑफर है वो मैं फाइवर पर या फ्रीलांसर पर पुट करूंगा, आप उसको एक्सेप्ट कर लेना, और आप मुझे कोई भी XYZ डिलीवरेबल्स भेज देना 2 दिन बाद में, और $10 में से आपको पैसे मिल जाएंगे, और यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा जो $10 हैं वो मैंने रख ली है अपने पास में, और मैं आपको एक रिव्यू दे दूंगा, मतलब अच्छा खासा। तो कहीं ना कहीं वो पर्सन $8-9 के बदले में आपको एक रिव्यू दे रहा है। तो ये चीज जो है बहुत ही जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं ये सारे प्लेटफॉर्म्स, तो मेक श्योर करें अगर आप अपना अकाउंट सेफ रखना चाहते हैं तो ऐसी चीजें ना करें। और हम एक प्लेटफॉर्म पर हैं पैसा कमाने के लिए, ना कि पैसा देने के लिए, ठीक है। तो बस ये चीज आपको याद रखनी है, बाकी आई विश यू लक, बस थोड़े से ना इन चीजों से दूर रहो। कहीं भी आपको जैसे 1% भी अगर आपको इंट्यूशन आया ना कि भाई यहाँ पर कुछ स्कैम हो रहा है, दूर हट जाओ, ऑर्डर लो ही मत, कोई बात नहीं, और ऑर्डर्स हो जाएंगे लेकिन पैसे एटलीस्ट जाएंगे तो नहीं। तो आई होप इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। बाकी ये कंप्लीट फ्रीलांसिंग का कोर्स चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट का लिंक उठा लो, एक भी वीडियो मिस मत करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।